सो 3D Max और V-Ray में एजेस वाला रेंडर कैसे निकालना है, तो ये रेंडर कैसे निकालना है इसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये ऐसे वाला रेंडर्स हमको जॉब के लिए जब भी हम जाते हैं इंटरव्यू में जाते हैं तभी ऐसा रेंडर शो करना पड़ता है। सो फॉर दिस आई विल गो टू मटेरियल पैलेट और यहाँ से सिंपल V-Ray मटेरियल लेना है और नीचे जाके आपको यहाँ से V-Ray एजेस टेक्सचर लेना है, यहाँ से एज टेक्सचर डिफ्यूज़ में डालना है। ये डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपको जो चाहिए वो कलर ले लो। लेट से मैं थोड़ा सा ग्रे कलर लेता हूँ और पिक्सल विड्थ, ये देखो यहाँ जो पिक्सल विड्थ है मैं कम करता हूँ 0.5, और ये जो रेडियस है इसको मैं करता हूँ 0.05 ताकि वो जो उसका लाइंस है वो बहुत पतला हो जाएगा। साइन करता हूँ ग्लोबल स्विचेस में। ग्लोबल रेंडर सेटअप ओपन करते ही यहाँ पे आपको जाना है V-Ray, ये जाएगा इंस्टेंस में से ओके, और आपका इस तरीके का रेंडर होके रेडी हो जाएगा।